दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ मिश्रा और सौरभ मिश्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आपको पता है एयरफोर्स के अलग अलग कमांड में हमेशा वैकेंसीज निकलते रहती है, तो फिलहाल और एक कमांड में एयरफोर्स का वैकेंसी निकल चुका है। इसका ए टू जेड पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। अगर आप चैनल में नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करना मत भूलना दोस्तों, ठीक है। और इसको स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखना। क्या होता है कि आपको कुछ कुछ मिस इन्फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो मैं इसको बताऊंगा कि इसमें कैसे फॉर्म भरने से आपका एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। आप लोग फॉर्म भर देते हो, आपका एडमिट कार्ड नहीं आता क्योंकि आपका फॉर्म कैंसिल हो जाता है, ठीक है। किन कारणों से कैंसिल होता है इसका पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। मेरा नाम है सौरभ मिश्रा, ठीक है। तो आइए जान लेते हैं ये एयरफोर्स की जो न्यू वैकेंसी है इसके बारे में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, HQ सेंटर एयर कमांड IF की तरफ से वैकेंसी निकली हुई है। इसमें आपका कुक, हाउसकीपिंग स्टाफ, MTS इसकी पूरी मतलब वैकेंसी निकला हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड में है आपका HQ साउथ एयर कमांड की तरफ से वैकेंसी निकली हुई है। दोस्तों आप देख सकते हो कुक, हाउसकीपिंग स्टाफ, ठीक है, और आपका MTS की वैकेंसी निकली हुई है। थर्ड जो है आपका HQ ट्रेनिंग एयर कमांड की तरफ से वैकेंसी निकली हुई है। दोस्तों आप देख सकते हैं LDC, MTS, ठीक है, कुक, हाउसकीपिंग स्टाफ, इन सब की वैकेंसी है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जो आपको देखते हैं थर्ड में है HQ वेस्टर्न एयर कमांड की तरफ से वैकेंसी निकली हुई है दोस्तों, ठीक है। कुक, MTS, हाउसकीपिंग स्टाफ, इन सब की वैकेंसी है, ठीक है। इसका जो PDF है दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको अवेलेबल हो जाएगा, तो आप वहां से इसको PDF को डाउनलोड करके आपका पूरा इन्फॉर्मेशन देख सकते हो अपनी आंखों से, ठीक है। फिर जो इंपॉर्टेंट नोटिस है मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसीलिए आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, तो इन सबको आपको ठीक से पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आपका जो आपका इम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर यहाँ पे मैं चिपका दूंगा, ये इम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर आप देख लेना। इस अगर इम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर का जो वैकेंसी निकली हुई है उसमें अगर आपने MTS और हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए अप्लाई किया है तो आप ये फॉर्म मत भरना, आपका ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आप देख लेते हैं जो एज रिलैक्सेशन की बात है दोस्तों, वो देख लेते हैं। आपका OBC के लिए 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है और आपका SC ST के लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। अगर आप PWD कैंडिडेट हो, ठीक है, तो आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है दोस्तों। आप एक सर्विस मैन हो या डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय हो तो आपका अलग अलग क्राइटेरिया में अलग अलग एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, तो आप फॉर्म देख लेना। देखिए दोस्तों आपका स्टोर कीपर के लिए लेवल 2 का पेमेंट है, कुक के लिए लेवल 2 का पेमेंट है, पेंटर के लिए लेवल 2 का पेमेंट है, हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए लेवल 1 का पेमेंट है, ठीक है। इसी टाइप का आपका पेमेंट का दिया हुआ है कि आपको कौन सा लेवल है, कब का आपको पेमेंट मिलेगा दोस्तों, ठीक है। फिर आपका मोड ऑफ सिलेक्शन है दोस्तों कि आपका कौन सा मोड में लोग सिलेक्शन करेंगे, तो मैं आपको बता दूं आपका क्वालिफिकेशन के आधार पर, ठीक है, और आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन और जो आपका ट्रेड में अप्लाई कर रहे हो वो ट्रेड का एक्सपीरियंस के आधार पे और आपका 10th का मार्कशीट के आधार पे ये बच्चे शॉर्टलिस्ट करेंगे और उनको बुलाएंगे, ठीक है, और उनका एग्जाम होगा। LDC के लिए आपका होगा जनरल इंटेलिजेंसी, मतलब आपका क्या बोलते हैं रीजनिंग का एग्जाम होगा, ठीक है। फिर आपका इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम होगा, फिर आपका मैथ का होगा, फिर जनरल अवेयरनेस का होगा, ठीक है। फिर आपका हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए भी वही है आपका, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंसी, रीजनिंग, ठीक है, मैथ, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस। तो आप इस सबको देख लेना, इसका मतलब एग्जाम का ये क्वालिफिकेशन आपका, मतलब इस टाइप से लोग एग्जाम लेंगे। इसका पूरा सिलेबस PDF में दिया हुआ है कि कौन कौन से मिशन की आपका रीजनिंग से कौन सा आएगा, ठीक है, आपका ये से क्या आएगा, तो ये पूरा आपको दिया हुआ है। तो आप मैं टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर लेना, इसके PDF को, और आप देख लेना, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, ये सबसे मेन चीज है दोस्तों। PDF में आप यही चीज नहीं देखते हो। देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे वो आपको हिंदी या इंग्लिश में इसको टाइप करके भेजेंगे, और हम लोग क्या करते हैं फॉर्म भर के भेज देते हैं। तो इसमें फॉर्म में साफ साफ लिखा हुआ है कि इसको भर के नहीं भेजना है, इसको टाइप करवाना है। तो मैं इसका फॉर्म का परफॉर्मा आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। आप उसको टाइप करके भर देना, मतलब मैं आपको पेन से लिख के बता दूंगा, आप वही चीज को अपने दुकान में जाके टाइप करवा लेना, ठीक है, और उसके बाद फोटो लगा के इसको सेंड करना, ठीक है, जो भी आप मतलब क्या बोलते हैं कमांड में आप मतलब भेजना चाहते हो। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो वैकेंसी मतलब आई हुई है इनका इंप्लॉयमेंट नोटिस में अभी तक ये नहीं आया है, ठीक है, लेकिन इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आ चुका है। तो मैं आपको बता दूं, जो भी आपको YouTube पे और कहीं भी आप वीडियो देख के इसका फॉर्म फिलअप मत करना, अभी तक मतलब फॉर्म नहीं आया है अभी तक एम्प्लॉयमेंट न्यूज में, ये बहुत जल्दी आने वाला है। जब आएगा तो मैं इसका फॉर्म भर के आपको वीडियो अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है, तभी आप फॉर्म भरना। अगर आप अभी से जाके इसका फॉर्म भर के पोस्ट कर देते हो तो ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए मैं जब भी वैकेंसी आएगी तभी मैं इसका फॉर्म भर के आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आप किसी और यूट्यूबर का देख के फॉर्म को भर के मत पोस्ट कर देना, क्योंकि अभी तक ये वैकेंसी आई नहीं है एम्प्लॉयमेंट न्यूज में, ये बहुत जल्द आने वाली है। 2-3 दिन में जब ये आ जाएगी तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो आप मेरे चैनल में अगर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मेरे टेलीग्राम चैनल को जाकर फॉलो जरूर करना दोस्तों, ठीक है। आपका भाई सौरभ मिश्रा। अगर आपको कुछ भी मतलब टेंशन है तो मेरे को कमेंट कर देना, ठीक है। मैं सोचता हूँ ना कमेंट के बेस पे एक वीडियो बना दूंगा, आपका सारा जितना भी क्वेश्चन होगा उस वीडियो में मैं ऐड करके आपका कमेंट को लेके एक वीडियो में बना दूंगा, वीडियो बना के आपको सारे उस वीडियो में सारा कमेंट का आंसर दे दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, मेरा भारत महान, भारत माता की जय। राइट नाउ
and press the bell icon. Never miss an update.